the CBI was created initially for employees of the central government, then to investigate certain kinds of very serious cases in the states which were referred to it, either by the state or by courts. It's only those who have a lot to hide who will take the step of saying that let CBI not come to my state. There is no sovereignty of any state in the matter of corruption. Is desh mein CBI ka jab gathan hua tha, to kendra sarkar aur kendra ki jo sangathan hai, desh bhar mein usme koi bhrashtachar ka mamla aata hai, uski jaanch karne ke liye. To aaj kendra ki jo sansthaye Bengal mein aur आंध्र में है उसकी जांच कैसे होगी? जो टैक्स अधिकारी केंद्र के उन दो राज्यों में है अगर किसी कोई भ्रष्टाचार करता है तो कैसे होगी? क्या और राज्यों के भी कई मामले जो राज्य सीबीआई को देते थे, सीबीआई कोई मामला छीन नहीं सकती. जो राज्य देते थे अपनी मर्जी से, सीबीआई उस पर जांच करती, या कोई अदालत उनको देती थी तो सीबीआई जांच करती थी. ये कदम केवल वही लोग उठाते हैं जिनको छुपाने लायक कुछ चीज है, जिनको भय है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है. क्योंकि किनके हाथ रंगे हुए हैं भ्रष्टाचार से उनको जानकारी है. केवल सीबीआई को बाहर करने से बंगाल में शारदा नारदा समाप्त नहीं होगा, जिसमें तृणमूल कांग्रेस का बहुत बड़ा नेतृत्व वर्ग शामिल है, और आंध्र प्रदेश में तो शायद वहां की सरकार को इसकी विशेष जानकारियां हैं और किसी को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है.